ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि लहसड़ी भागलपुरा थाना रामगढ़ताल और चारू चंद्रपुरी कॉलोनी थाना कैंट में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को रोकने के निमित्त उक्त क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उक्त परिधि सीमा में आम जनमानस का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त परिधि क्षेत्र में जनमानस की रोजमर्रा के सामानों की बिक्री आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किए जाने हेतु निर्गत समस्त ऑफलाइन एवं ऑनलाइन ई पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त क्षेत्रों की नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकानें खोलना अथवा आवागमन एम्बुलेंस मजिस्ट्रेट के राजकीय वाहन अथवा पुलिस के संबंधित अधिकारियों के वाहन कोरोना वॉरियर्स को छोड़कर बाकी सभी की पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, बताइए कितने लोग बाहर से आए हैं? हाँ, नीचे कर दीजिए। अच्छा ये बताइए कितने लोग मुंबई से आए? महाराष्ट्र से ना, ओके बैठ जाइए। कितने लोग सूरत से गुजरात से आए? कितने लोग, नीचे कर लीजिए, कितने लोग हैं जो बंगलोर और चेन्नई इन जगह से आए हैं? चेन्नई से आए हैं। अच्छा कितने लोग हैं जो 5 जून के बाद आए हैं? 5 तारीख के बाद आए? 5 जून के बाद आप आए हैं? नहीं सर, आपका मतलब हम सब लोग इस गांव में तो नहीं, उस गांव में जहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे 6 लोग पॉजिटिव मिले और 6 लोग पॉजिटिव मिले तो 6 लोगों को पॉजिटिव कर सकते हो। तो अब हाँ वहाँ करेंगे, और हमारा काम यह है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए तुरंत उसके वहाँ से आए, और जो बाहर से व्यक्ति आए ना वो 21 दिन आपको निकले ही ना घर से बाहर। अब ऐसा हो रहा है कि 21 दिन के बाद लोगों को हो जा रहा है, थोड़ा सा हमें जागरूक करना है गाँव में, खासकर बगैर मास्क के तो कोई बात ही ना करे। नहीं सर, हम लोग तो जिस व्यक्ति से मिल रहा है जरूर उनके घर जाकर के बोले बिना मास्क से आप लोग रहिए, छुआछूत से आप लोग रहिए, आप बचाव करिए, बार बार साबुन से हाथ धुले, और जो घर में व्यक्ति है खांसी सर्दी जुकाम इन लोग से मास्क लगा करके तुरंत आप लोग दूरी बना के रहिए। आप कौन है? आपने मास्क नहीं लगा रखा? कोरोना टेस्ट हुआ 17 तारीख को, इसकी सैंपलिंग वो हुआ थर्मल स्क्रीनिंग, फिर 21 को इसका सैंपलिंग लिया गया सर, 24 को पॉजिटिव लिया। तो इसके साथ इसके साथ जब आया था तो घर पे आया होगा? नहीं सर, पहले स्कूल में थे लोग, क्वारंटाइन थे, उस समय थर्मल स्कैनिंग हुआ था। हाँ, स्कूल में कितने दिन रहे ये लोग? 7 दिन थे, इसमें जब आदेश आया कि होम क्वारंटाइन करना है तो अपने घर। ये 15 मई को आया सर? ये 15 मई को सर आया, और इसका 17 मई को थर्मल हुआ, और 21 तारीख को इसकी हुआ सर सैंपलिंग। अब जो कल हमारे जो पॉजिटिव केस लगभग 7 आए थे, उसमें लहसड़ी में थाना रामगढ़ताल अंतर्गत लहसड़ी में मैनपुरा बागलपुर और लहसड़ी खास, इसमें टोटल 5 लोग पॉजिटिव निकले। तो हर टोले बने हैं वहाँ पे, उन टोलों का निरीक्षण किया गया, और निरीक्षण करने के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें 250 मीटर का हमने कंटेनमेंट एरिया बनाया है और 500 मीटर हमारा बफर जोन है। सारे आवागमन जो एंट्री एग्जिट है वहाँ पे बैरियर लगाकर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिसमें ANM आशा आंगनवाड़ी हैं वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं, जो व्यक्ति बाहर से आए उनका डेटा लिया जा रहा है, और जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे कौन कौन संपर्क में आया है ऐसे सभी व्यक्तियों का डेटा लिया जा रहा है, ताकि उन सब लोगों का सैंपल कराया जा सके। इसके साथ ही बलोटिया मार्केट में एक व्यक्ति मिला है, उसमें हमने ऊपर का जो उनका सेकंड फ्लोर है दुकान उसको सील कराया है, आसपास की 3-7 दुकानों को सील कराया है, उसके साथ जिस जहाँ पे वो रहते हैं चारू चंद्रपुरी कॉलोनी में,
चारू चंद्रपुरी कॉलोनी में भी हमने वो 250 मीटर का एरिया कंटेनमेंट घोषित करते हुए वहाँ पे भी हमने बैरियर लगाए हैं और उसमें सैनिटाइजेशन का कार्य करते हैं। साथ साथ जो भी लोग पॉजिटिव के संपर्क में आए उन सबका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। चारू चंद्रपुरी कॉलोनी में चूँकि कई सारे हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के रेजिडेंस भी हैं, हमारे ऑफिसर्स के रेजिडेंस भी हैं, उसको भी वो उसकी परिधि में आते हैं तो उसको भी हमने वहाँ पर सील कर दिया है और सारे आवागमन बंद है। वस्तुओं की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी।